हेलो एवरीवन, वी आर राइट बैक ऑन आवर चैनल द एजुकेशनल चैनल क्रेजी इंग्लिश एंड आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ व्हाट इज़ अ जेरन। आपने इसके बारे में सुना होगा, जेरन्स के बारे में, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है जेरन्स समझने में, ये होते क्या। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस टॉपिक। देखिए, दोनों जगह ये वर्ड रनिंग आया है। फर्स्ट इज ही इज़ रनिंग, इस सेंटेंस में बता रहा है कि ही इज़ रनिंग, ही के द्वारा ये वर्क जो है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पर इज़ रनिंग जो है ये वर्ब का काम कर रहा है। सेकंड में रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर रनिंग वर्ब नहीं बता रहा है, बट वो सिर्फ बता रहा है कि रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ रनिंग जो है ये नाउन का काम कर रहा है। फर्स्ट सेंटेंस में रनिंग जो है ये वर्ब का काम कर रहा है, और सेकंड सेंटेंस में रनिंग जो है ये नाउन का वर्क कर रहा है। यही होता है जेरन, जहाँ पे वर्ब्स जो हैं वो नाउन का वर्क करते हैं, यानी कि वर्ब में हम आईएनजी तो जोड़ते हैं, बट इस वर्ब में आईएनजी को ऐड करने का मीनिंग हो जाता है कि वो नाउन में चेंज हो जाता है। और इस तरह के नाउन्स, जैसे कि वर्ब में जब आईएनजी ऐड करके जो नाउन्स नाउन फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, वही नाउन्स यानी कि वही वर्ब्स जेरन्स कहलाते हैं। इन अ नटशेल, अ जेरन इज अ वर्ड दैट एंड्स विद आईएनजी, यानी कि जेरन वो वर्ड है जो कि आईएनजी पे फिनिश होता है। द वर्ड यूज्ड इज इनिशियली अ वर्ब, बट द एडिशन ऑफ द आईएनजी ऑन द एंड टर्न्स इट इंटू अ जेरन एंड दिस वर्ड इज देन यूज्ड लाइक अ नाउन। यानी कि जेरन वो वर्ड्स होते हैं जिसमें हम वर्ब में आईएनजी ऐड तो करते हैं, ये हमें पता है कि किसी वर्ब में जब हम आईएनजी ऐड करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म लेता है, बट जब वर्ब में आईएनजी ऐड करने पे वो एक नाउन फॉर्म बन जाता है तो वो जेरन्स कहलाता है। द जेरन कैन टेक ऑन अ नंबर ऑफ रोल्स, इट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन और अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेट्स सी फर्दर, जेरन्स क्या होते हैं। जेरन का फॉर्म होता है वर्ब प्लस आईएनजी व्हिच गिव्स अ नाउन। वर्ब में जब आईएनजी हम ऐड करते हैं और वो वर्ड जो होता है वो नाउन के फॉर्म में यूज़ होता है। और इसका यूज़ कब होता है, व्हेन डू यू यूज़ इट एंड व्हेन इट इज़ द सब्जेक्ट, इट इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन एंड आफ्टर सर्टेन एक्सप्रेशंस वी ऑल्सो यूज़ दिस वर्ड्स। जेरन्स क्या होते हैं। जेरन एक नाउन होते हैं जो कि आईएनजी पे ख़त्म होते हैं, दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब, यानी कि वर्ब में जब आईएनजी ऐड होता है। थिंक वर्ब है, थिंक में आईएनजी जब जुड़ जाएगा तो ये एक नाउन फॉर्म बन जाएगा। प्ले वर्ब में आईएनजी यहाँ जुड़ जाएगा तो प्लेइंग हो जाएगा। लेकिन हम सेंटेंस को ध्यान देंगे कि सेंटेंस में हमारा जो वर्ड है, जो भी हमारा यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है, उसमें आईएनजी ऐड करने पर वो वर्ड हमारा नाउन फॉर्म ले रहा है या वर्ब फॉर्म ले रहा है। अगर वहाँ ये वर्ड्स हमारे, जिन वर्ब में आईएनजी ऐड करने पर ये कोई एक्शन परफॉर्म करता है, तो वो हमारा वर्ब ही रहेगा। बट अगर सेम वर्ड जिसमें आईएनजी ऐड कर दें और वो नाउन की तरह काम करे तो वो जेरन कहलाता है। इसी तरह ये सारे वर्ड्स हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अनलाइक अ नॉर्मल नाउन, अ जेरन कैन मॉडिफाई बाय एन एडवर्ब एंड टेक एन ऑब्जेक्ट। लेट्स सी अ स्मॉल एग्जांपल। केयरफुली पेंटिंग द फेंस, केयरफुली यहाँ एडवर्ब हो रहा है। क्यों एडवर्ब हो रहा है, क्योंकि पेंटिंग कैसे करनी है, केयरफुली करनी है, तो ये एडवर्ब हो जा रहा है। हमें पता है पेंटिंग करनी है, और फेंस तो यहाँ ऑब्जेक्ट दे रहा है, लेकिन यहाँ पेंटिंग क्या है, यहाँ पेंटिंग करते हुए वर्क नहीं बता रहा है। यहाँ पेंटिंग करने के बारे में ये एक एक्शन वर्ड का काम नहीं कर रहा है, ये एक नाउन का काम कर रहा है। इसलिए ये पेंटिंग जो यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया गया है ये वर्ब में आईएनजी के साथ है, तो ये हमारा एक जेरन हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ड जो है ये एक नाउन फॉर्म बन रहा है। यूजिंग जेरन्स, लेट्स सी वेयर टू यूज़ इट। जैसे कि आपने देखा इसके पहले आपको बताया गया कि एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, यानी कि रनिंग इज़ अ गुड वे टू एक्सप्लोर। यहाँ पर इज़ वर्ब है और रनिंग दौड़ना, न कि दौड़ रहा, आईएनजी जब हम ऐड करते हैं किसी वर्ड में तो रहा रही रहे का यूज़ करते हैं।
जो कि कॉन्टीन्यूअस फॉर्म को प्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ रनिंग जो है ये एक नाउन फॉर्म में है, तो ये हमारा जेरन हो जाएगा। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी ही लाइक्स वॉट, ही लाइक्स रनिंग, उसे दौड़ना पसंद है। यहाँ रनिंग एक्शन वर्ड नहीं है, ये एक नाउन फॉर्म है। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन ऑफ रनिंग, यानी रनिंग के का जो भी हम ऐड कर सकते हैं उसके साथ, यहाँ पर भी रनिंग जो है ये नाउन फॉर्म ले रहा है। एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि माई न्यू हॉबी, वॉट इज़ माई न्यू हॉबी, इट इज़ रनिंग, तो यहाँ भी रनिंग जो है ये नाउन फॉर्म ले रहा है, ना कि ये एक वर्ब फॉर्म हो रहा है। तो इन चारों केसेस में, यानी कि चाहे हमारा ये एज अ सब्जेक्ट वर्ब का ऑफ अ वर्ब हो, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन होता है, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, तो ये चारों जगह रनिंग जो है ये आईएनजी के साथ है, यानी कि वर्ब हमारा आईएनजी के साथ आ रहा है, बट ये नाउन फॉर्म ले रहा है, इसलिए ये जेरंड्स कहलाएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।